हेलो एवरीवन, सो आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि है स्वर आ से। सो आप सब रेडी हैं? चलिए अब मैं आपको आ से कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था आदि। वो था 8 साल, ही वॉज 8 years old। वो कितने साल का था? 8 साल का। और उसके पापा का क्या नाम था? उसके पापा का नाम था आ से आयुष। और उसकी मम्मी का नाम था आ से आदिति, आ से आदिति। और वो डेली सुबह उठ के आ से आरती करते थे, मींस पूजा करते थे। एक बार आदि बाज़ार गया और पता है जैसे वो बाज़ार जा रहा था तो उसे रास्ते में क्या दिखा? उसे दिखा आ से आम का पेड़। और उसने उस आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े। और वो जैसे ही बाज़ार गया उसने वहाँ से आ से आलू लिया, पोटैटो लिया। और उसने क्या लिया? उसने लिया आ से आटा, आ से आटा। और उसने क्या लिया? आ से आड़ू, आड़ू को हम इंग्लिश में पीच भी बोलते हैं, पीच। और उसने उस आलू से क्या बनाया पता है? आलू के पराठे। और उसने जो आम तोड़े थे उसके साथ उसने बनाया आ से आम की चटनी, खट्टी मीठी। आओ हम देखते हैं कि हमने आ से कौन कौन से शब्द पढ़े, ठीक है? तो आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। सो हमने क्या पढ़ा? आ से आलू, आ से आलू। और हमने क्या पढ़ा बताओ तो? आ से आड़ू, आ से आड़ू। और हमने क्या पढ़ा? आ से आठ, दिस इज नंबर 8। और हमने क्या पढ़ा? आ से आम, आ से आम। और हमने क्या पढ़ा बताओ तो? और हमने पढ़ा आ से आटा, आ से आटा। और उस लड़के का नाम क्या था? आ से आदि, आ से आदि। और वो सब मिलके सुबह सुबह क्या करते थे? आ से आरती करते थे, पूजा करते थे। सो आप सबको पसंद आई कहानी?